हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत मस्त हो। हम लोग मित्रों जो है, अभी हम लोग जो है एक बुनियाद काटवाने के लिए आए हुए हैं, और स्पेशली जो है हम बिहार में अभी हैं। और मैं बताने में बहुत है, यानी कि आप लोग से खुशी हो रहा होगा कि यहाँ पे जो है हम लोग का नक्शा खुद मिस्त्री हम लोग बना कर और घर भी बना कर तैयार करके दे रहे हैं। और हालांकि पंजाब में हालांकि वहाँ पे जो है काम हम लोग का नक्शे से बनाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ भाई के कमेंट थे और कुछ भाई हमारे से काम कराना चाहते हैं कि जी हमको नक्शा से घर बनाइए। तो ऑलरेडी हम बहुत दूर आए हुए हैं बिहार में, और मैं उनको दिखाने के लिए एक पीस रखा हूँ, और मैं अपने तरीक़ा से जो है उसमें पोर्च निकाला हूँ, और बेडरूम दो निकाला हूँ, उसमें जो किचन निकाला हूँ, और लोभी भी निकाला हूँ, और पौड़ी वाला पोर्च भी निकाला हूँ। और बहुत कम एरिया में जो है इतना बहुत कम एरिया है मित्रों। आप लोग से बताने में आप लोग सोचेंगे सुरेश भाई कैसे निकाल दिए। मेरा जो है चौड़ाई जो है 25 फुट है, और लंबाई यानी कि 30 फुट है। उसमें से मेरे को दीवार भी एडजस्ट करना पड़ा। और दूसरा का क्या है कि उसमें से जो है एक बेडरूम और बैठक का रूम जो है सारा एक तरफ कर करके अभी आप लोग से हम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें तभी आप लोग को समझ में आएगा। एक बार अपने से प्रयास कीजिए कि हालांकि कैसे हम लोग अपने से बदल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और हमको दूसरे को लोड ना पड़े, खुद से बनाते रहिए। और देखिए आप लोग का हम देखिए मित्रों, ये मेरा जो है पीछे वाला बेडरूम हो गया। ये मेरा कंध जो है दीवार 9 इंची का है, और ये 4 इंची का है। दो बेडरूम है, सेम है, 13x11 का है। और ये मेरा कल वाला पोर्च है, यानी कि पानी भरने वाला, नहाने धोने वाला है पोर्च है। और यहाँ पे जो बाथरूम है ये बैक साइड में रहेगा, पीछे भी जगह है। और ये जो है बैठक का रूम है, और ये किचन है। अब आगे आ जाइए, आगे जो है मेरा पौड़ी वाला पोर्च है यहाँ पे। इधर को देखिए, यहाँ पे पौड़ी वाला पोर्च है। मेरा एक दीवार यहाँ पे भी आएगा, मैं अभी लकीर नहीं लगाया हूँ। और यहाँ पे जो है कोने पे पूजा रूम भी देना है हमको, यानी कि 4x4 के दीजिए, 4x4 का है पूजा रूम। और इधर जो है मेरा पौड़ी वाला पोर्च आ गया, यहाँ से पौड़ी चढ़ के ऐसे आएगा आगे को। और यहाँ से आप रिटर्न भी ऐसे घुमा भी सकते हैं पौड़ी को। और यहाँ से प्रवेश द्वार है, दोनों कमरा के ये जो दरवाज़ा है ये दोनों कमरा का है, ये ओपन नहीं रहेगा। यहाँ पे भी इसका दरवाज़ा है, यहाँ पे दीवार के साथ में इसका भी दरवाजा, इसका ओपन है, यहाँ से ओपन है। थोड़ा सा दीवार यहाँ पे लगेगा, उसके बाद में जो है यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। बहुत सारे जगह है यहाँ पे, 9 फुट जगह है, और यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। मान लीजिए एक लोभी टाइप का हो गया, यहाँ से कमरा जो है ये दीवार के सामने से कमरा रहेगा, इतने तक ये सारे ओपन है, यहाँ से आदमी जा सकता है। और आप लोग कमेंट करके बताइए मेरा तरीका कैसा लगा, और मेरा दिमाग जो है आप लोग को भी दिमाग लगाना है। तो ऐसे से जो है काम आप लोग को करना है। बिहार में देहात में जो है अपने से मिस्त्री करते हैं, यहाँ पे कोई नक्शा इंजीनियर नहीं आते हैं, बल्कि मिस्त्री इंजीनियर रहते हैं और मिस्त्री मकान बनाते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरा प्रयास कैसा लगा, और कैसा मेरा जो तरीका है कैसा लगा। अगर कहीं पर गलती अगर सही हुआ होगा तो उसके लिए दिल से सॉरी हम मांगते हैं। और तमाम इस हमें अगर मेरे चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और आई हो कि मेरा वीडियो जो है आप लोग का बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद मित्रों।